हाँ तो भाई आज हम आ रहे हैं नोएडा में नया बस लेबर चौक के पास में। यहाँ पर एक मैम है वो तैयार करती है मोमोज तैयार करती है। ये देखिए यहाँ पर अभी वो बना रही है किस किस तरीके से, काफ़ी तरीके के मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मोमोज अवेलेबल है उनके पास में। ये सबसे पहले ये तैयार कर रही है इन्होंने मोमोज डाले, ऑलरेडी ये प्रिपेयर हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। अच्छा क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका नाम है। अच्छा राधिका नाम है तो उसी वजह से मैंने पहले आपको सबसे पहले राधे राधे बोला था मैंने, हो सकता है कोइंसिडेंस बना हो पहले से। अच्छा कितने दिन से कर रही हैं आपने? अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कर रही हैं, मतलब लॉकडाउन के अंदर ही आपने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मतलब ये कि एक लड़की हो के इस तरीके से कर रही हैं, ये मतलब काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आता है मतलब समाज में। ये आपके पास में क्या क्या अवेलेबल है अभी? एग मोमो, चिकन मोमो। ये चिकन मोमोज हैं, देखो खाने वाले कुछ भी खा सकते हैं। हमारा मोस्टली जो प्रिपेयर होता है, हम ब्रजवासी आपको बताइए, तो हमारा मतलब है कि चिकन मोमोज का नहीं होता है, चिकन हम लोग खाते ही नहीं हैं। अच्छा ये मतलब कैसे बनाती हैं आपें? इसमें बहुत मेहनत लगती है, प्याज पड़ती है, चिकन पड़ती, प्याज पड़ती है, चिकन, और बहुत मेहनत भी है इसमें। अच्छा ये कौन से वाले हैं? ये पत्ते गोभी की बनती है। अच्छा पत्ते का मतलब ये कि बनाते हो, कितनी देर लगती है इसको बनने में? इसको देर ज़्यादा से ज़्यादा ऑलरेडी 4 घंटे तक लग जाती है। 4 घंटे लगता है। सबसे पहले मतलब इसमें जो आटा जो यूज़ करते हैं वो किसका होता है? वो मैदा होता है। मैदा, मैदा होता है। मैदा के अंदर स्टफिंग किसकी करती हैं आप? मैदा पत्ते गोभी, पत्ता गोभी का स्टफिंग करते हैं, मसाला डालते हैं। और ठीक है ये देखिए अभी मतलब लेके आ रहे हैं, काफ़ी शानदार बने हुए हैं ये मतलब, काफ़ी शानदार बने हुए। ये कितने रुपए का पड़ता है ये पूरा पत्ता? ये जो पड़ता है 30 रुपए की प्लेट है। 30 रुपए की फुल प्लेट है। फुल प्लेट में कितना होता है? फुल प्लेट में 12 पीस। फुल प्लेट में 12 पीस और हाफ प्लेट में मान लो कि 6 पीस होते हैं, तो मतलब एक वेज मोमो काफ़ी मतलब एक बेहतर रहता है। अच्छा ये क्या है ये जो मैडम? ये म्यूनिस है। यो म्यूनिस है और ये चटनी है। ये कौन सी वाली चटनी है? ये स्पाइसी। ये स्पाइसी कैसे बनाते हैं इसको? ज़्यादा तीखा रहती है। तीखा तो रहती है, बनाती कैसे हैं इसको आप? लाल मिर्च, साबुत। साबुत लाल मिर्च और क्या मिलाती है इसके अलावा? इसमें कुछ नहीं पड़ता है, बस लाल मिर्च, धनिया पत्ता भी पड़ती है। लाल मिर्च धनिया जिस तरीके मतलब देखिए ऑलरेडी तैयार करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लड़की होके मतलब यहाँ पर ये चीज़ें कर रही हैं। अच्छा मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड। अच्छा आपके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं। अच्छा हस्बैंड क्या करते हैं? स्कॉट कंपनी में काम करते हैं अभी। कंपनी में काम करते हैं तो आपको तो बैठ के खाना चाहिए था अगर नॉर्मली सोचा जाए तो, जैसे मोस्टली लड़कियों की थिंकिंग होती है। हाँ बैठ के तो खाना चाहिए, फिर भी अपना मेहनत, अपना जो आता है, अपना एक्सपीरियंस वो तो खाने पड़े। देखो कि यही है कि अनुभव है तो अनुभव को मतलब सदुपयोग किया जाए, अनुभव को वेस्ट ना जाने दिया जाए, तो यही है। उसी के बतौर ये मैडम यहाँ पे मतलब कि मोमोज जो भी है वेज नॉन वेज इस तरीके का हम लोग मोस्टली प्रिपेयर करते हैं, वो वेज ही प्रिपेयर करते हैं। तो मतलब भैया यहाँ पे खा रहे हैं मोमोज तो मतलब। हाँ जी भैया जी क्या हाल है? बस बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहन। मोहन नाम है। अच्छा मतलब है कि कैसे लगते हैं आपके मोमोज ये? बढ़िया लगते हैं। बढ़िया लगते हैं। कितने दिनों से खा रहे हैं? मैं या तो करीब खा रहा हूँ 1 साल करीब। 1.5 साल से तो मैडम है और 1 साल से भैया खा रहे हैं, मतलब एक टेस्ट बहुत बेहतर होगा है इनका उसी वजह से। और ये मतलब एक यहाँ पर मोस्ट भी आते रहते हैं। हमारे को छोटा सा मतलब सैंपल दिखा दीजिए अपना, थोड़ा लगा के बेज मोमोज का, छोटे 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 वाले में ही। ये वाला है ना म्यूनिस ज़्यादा डालना थोड़ा सा, क्योंकि तीखा खाने की हमारे को कम हैबिट है। ये देखिए गाइस हमारे सामने ऑलरेडी ये आ गए हैं और ये जो बनते हैं 3 रुपये का ही मतलब एक 15 का हाफ पड़ता है, अगर नॉन वेज हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो जगह है यहाँ पर ये मैडम है, इनका नाम है राधिका नाम है, सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन से पहले नया वास लेबर चौक के पास में BJYU स्टडी ऐप का जो ऑफिस है उसके सामने मतलब एक यहाँ पर ये मैडम यहाँ पर लगाती हैं। तो मैं मिलता हूँ किसी नई जगह पर नए टेस्ट के साथ में, तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ख्याल रखें अपना। जय राम जी की।